हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर नशीन आपका स्वागत करती हूँ आपके ही अपने चैनल में। दोस्तों, तो साथ में बात करने वाली हूँ ओबेसिटी के बारे में। ओबेसिटी या फिर जिसे हम मोटापे के नाम से भी जानते हैं दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है। कई सारे आप वीडियोज़ भी देख चुके होंगे, कई सारे वीडियोज़ देख लिए, कई सारे उपाय आजमा लिए, बट अभी तक कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। तो आप बिल्कुल सही अभी वीडियो आपने सेलेक्ट करी है। जो आज मैं आपको बताने वाली हूँ ओबेसिटी की बेस्ट फ्लावर मेडिसिन। दोस्तों, बेस्ट पेज फ्लावर मेडिसिन हेल्प टू रिड्यूस योर बॉडी फैट एज वेल योर बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। दोस्तों, मैं आज आपको ऐसी मेडिसिन बताऊंगी दोस्तों, क्योंकि बिकॉज ओबेसिटी की वजह से क्या प्रॉब्लम हो रही है दोस्तों आजकल बच्चों में, ले लें चाइल्डहुड ओबेसिटी में, उनको अगर अपनी क्लास में जाते हैं या फिर कोई एक्टिविटी करते हैं या फिर वो अगर किसी रेस में भी भाग लेंगे, वो सही से दौड़ नहीं पाते हैं। इस वजह से क्या हो रहा है, ओबेसिटी के साथ साथ लोगों के मानसिकता पर भी बहुत बुरा असर पड़ रहा है। कई बार उनको ऐसा लगता है कि वो मोटे हैं तो उनका मजाक बनाया जाएगा, तो वो इसी किसी वजह से कोई कॉम्पिटिशन में भी पार्ट नहीं ले पाते हैं। कई लेडीज़ हैं, कई जेंट्स हैं, तो उनका बेली फेट जब इकट्ठा हो गया है, तो इस वजह से वो अपने आप में कहीं ना कहीं एक शर्मिंदगी महसूस करने लगे हैं और कहीं कोने में खड़े हो जाते हैं क्योंकि वो मोटे हैं। अब आपको ऐसे कोने में खड़े होने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो मैं बेस्ट फ्लावर मेडिसिन बताऊँगी, आपका कहीं कभी फैट हो यूँ पिघल जाएगा और आपका बॉडी फैट ठीक हो जाएगा। दोस्तों, आप बिल्कुल फिट एंड फाइन हो जाएंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि मोटापा है क्या। इन शॉर्ट सभी लोग जानते ही हैं कि मोटापा मतलब फैट या फिर चर्बी का इकट्ठा होना। ये कहीं पर भी इकट्ठा हो जाता है दोस्तों। किसी किसी लोगों का पूरी बॉडी में फैट जमा हो जाता है, किसी किसी का ओनली बेली फैट पेट में जमा हो जाता है, किसी का चेहरा मोटा हो जाएगा, थाई मोटी हो जाएंगी, तो ये सब एक्स्ट्रा फैट इकट्ठा हो जाता है। ये क्यों हो जाता है, सभी लोग जानते हैं, फिजिकल इनएक्टिविटी की वजह से, क्योंकि आजकल लाइफ स्टाइल चेंज हो गया है। बाहर जाके बच्चे खेलते भी नहीं हैं, डेली डेली मोबाइल चलाना। इस वजह से बाहर के अपने गेम्स प्ले भी नहीं कर पा रहे, जिससे बॉडी की एक्टिविटी नहीं हो पा रही है। ऑल्सो कुछ ऑफिस वर्क भी कंटिन्यूसली, आप लैपटॉप पर बैठे हो, कंप्यूटर पर बैठे हो, तो आपको ये भी नहीं करना है, थोड़ा वॉक तो करना ही पड़ेगा। तो इस वजह से ऑल्सो कुछ लेडीज़ को क्या होता है, प्रेगनेंसी के बाद उनका वेट इंक्रीज़ होने लगता है। ऑल्सो एक थायराइड हार्मोन होता है, अगर वो हाइपोथायराइडिज्म की प्रॉब्लम हो जाती है तो मोटापा हो जाता है, ये सभी लोग जानते ही हैं। अब कारण जान के क्या करना है हमको, तो अपना फैट कम करना है। सभी वीडियोस में आपने कारण वजहें सब तो देख ही लिए होंगे। फर्स्ट बेस्ट फ्लावर मेडिसिन इज़ टू हेल्प टू रिड्यूस योर फैट इज क्रैब एप्पल। दोस्तों, क्रैब एप्पल हेल्प टू रिड्यूस योर फैट बिकॉज इट हैज़ क्लींजिंग प्रॉपर्टी। दोस्तों, क्योंकि आपकी अंदर जो फैट जमा हो गया है उसको क्लींस करके रिमूव करता है क्रैब एप्पल मेडिसिन। दोस्तों, क्रैब एप्पल बहुत अच्छी मेडिसिन है, आपके अंदर के बॉडी फैट को, इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने में आपकी मदद करती है क्रैब एप्पल बेस्ट फ्लावर मेडिसिन। दोस्तों, इसमें क्योंकि इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने का प्रॉपर पावर होता है, ये क्लीनिंग प्रॉपर्टीज़ होती है। दूसरी बेस्ट फ्लावर मेडिसिन है दोस्तों इस गॉड्स। कोर्स में क्या होता है दोस्तों, आप कई तरीके के, आपने बहुत सारे उपाय कर लिए, आपने डाइट कर लिया, आपने सभी कुछ कर लिया, आप कहें मैंने एक्सरसाइज भी कर लिया, मैंने ये भी कर लिया, मैंने वो भी कर लिया, बट आपका मोटापा ही कम नहीं हो रहा। इस वजह से क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा निराश हो जाते हैं। निराशा की वजह से क्या होता है, अब उनको ऐसा लगता है अब तो कुछ होने ही नहीं वाला है, इतनी ज़्यादा उसमें होपलेस हो जाते हैं। तो आपको जब भी कोई एज वेल एज कोई पेशेंट भी आपके पास आए ना, बहुत क्रॉनिक केस हो जाए कि वो आपसे कहें कि अब उसको कोई आशा ही नहीं रही कि वो ठीक होगा, तो अगर आप निराश हो गए हैं तो स्टार्ट विद द मेडिसिन इज गॉड्स। गॉड्स आपकी आशा को ठीक करेगी, ऑल्सो आपके फैट को भी रिमूव करने में आपकी मदद करेगी। अनदर जो मेडिसिन इज जेंशियन। दोस्तों, जेंशियन से क्या होता है कि आप अपने जेंशियन में इंसान ऐसा पेसिमिस्टिक हो जाता है, इतना निराशावादी हो जाता है कि अब उसको लगता है कि वो ठीक नहीं हो पाएगा, उसके बच्चे भी हैं, अगर बच्चे भी आप अगर मोटे हो गए हैं, बेटे बेटे मोटे हो गए, आप उससे कहेंगे बाहर जाके खेल ले, उसको ऐसा लगेगा कि और बच्चे उसका मजाक उड़ाएंगे, इस तरीके की निराशा उसके अंदर पहले ही आ जाती है, कुछ काम करने से पहले ही वो फेलियर फील करने लगता है। तो जेंशन मेडिसिन इज़ हेल्प टू इम्प्रूव योर
पेसिमिस्टिक जो प्रॉब्लम आपके अंदर आ गई है या निराश हो गए हो, पेसिमिस्टिक को चेंज करने में आपको आशावादी बनाता है, इंथ्यूज़म बनाता है इज ए जेंशन दोस्तों। अनदर जो पेज फ्लावर मेडिसिन इज वॉलनट दोस्तों। ड्यू टू एनी हार्मोनल डिसबैलेंस आपके अंदर मोटापा आ रहा है, लाइक कुछ गर्ल्स को पीसीओडी प्रॉब्लम में भी फैट आने लगता है क्योंकि उनके ओवरीज और इनका इम्बैलेंस होने लगता है, तो वॉलनट मेडिसिन आपका थायराइड इम्बैलेंस, हार्मोनल इम्बैलेंस को बैलेंस करके आपके मोटापे को ठीक करती है। अब ये हुई BFR की बात, पेज फ्लावर मेडिसिन की बात दोस्तों। साथ ही साथ आपको एक फाइटोसिन ड्रॉप भी लेना चाहिए दोस्तों। फाइटोसिन ड्रॉप अलोंग विद दिस BFR मेडिसिन, फर्स्ट BFR इज अ क्रैब एप्पल हेल्प टू क्लींजिंग योर बॉडी फैट, रिमूव योर इम्प्योरिटीज इन योर बॉडी। अनदर मेडिसिन इज गॉर्स दोस्तों। अगर बहुत सारा आप ट्रीटमेंट कर चुके हैं, क्रॉनिक ओबेसिटी हो गई है, अब आपको ऐसा लगता है अब कुछ हो ही नहीं सकता, तो गॉर्स मेडिसिन आपकी ये प्रॉब्लम ठीक करेगी। अनदर मेडिसिन इज जेंशियन दोस्तों। पेसिमिस्टिक प्रॉब्लम आ गई है, आप निराश हो गए हो, कुछ भी चीज़ करने से पहले ही आपका बच्चा कह देता है कि मम्मी या फिर पापा हम ये करेंगे ही नहीं, क्योंकि वो पहले से ही निराश है, एग्ज़ाम देने से पहले ही कह देगा वो फेल हो गया। तो जेंशियन मेडिसिन हेल्प टू इंक्रीज योर कॉन्फिडेंस एंड हेल्प टू रिजॉल्व दिस ओबेसिटी प्रॉब्लम। अनदर मेडिसिन इज वॉलनट। वॉलनट इफ़ यू हैव ए प्रॉब्लम ड्यू टू हार्मोनल इम्बैलेंस, आपकी ओबेसिटी इंक्रीज हो रही है, तो आपको इम्बैलेंस को बैलेंस करने का काम करेगी वॉलनट अलोंग विद दिस। ये सारी BFR के साथ आपको लेना है फाइटोसिन ड्रॉप दोस्तों। अब क्या करना है दोस्तों, मेडिसिंस ले ली है और कुछ चीज़ें दोस्तों हमारे खुद के ऊपर भी डिपेंड करती हैं कि आपने मेडिसिन ले ली। अब ऐसा नहीं कि आपने मेडिसिन ले ली है, आप खूब खा रहे हैं, कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, अब आपको लगता है मेडिसिन तो ले ली है मोटापा खुद ही ठीक हो जाए, नहीं कुछ चीज़ें कुछ भी करनी पड़ती हैं। आप साइकिल पर बैठ गए हो बट साइकिल के पैडल भी आपको चलाने पड़ेंगे, तभी तो साइकिल चलेगी ना। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जो आपकी इनएक्टिविटी हो गई है आपकी बॉडी के लिए ही अच्छा है, इनएक्टिविटी जो हो गई है आप उसको एक्टिविटी करेंगे, अच्छे अच्छे एक्सरसाइज करेंगे। लिफ्ट यूज़ करते हैं तो आपको सीढ़ियाँ यूज़ करनी है, सीढ़ियाँ चढ़ने में मज़ा ही तो आएगा, आपका फैट भी रिड्यूस होगा, क्योंकि आप अगर फिट एंड फाइन रहेंगे ना तो ओबेसिटी से ना जो आगे की प्रॉब्लम आपको ना बढ़े, इसलिए आपको बॉडी को एक्टिव रखना है। जैसे किसी मशीन को अगर कंटिन्यूसली चलाते जाएं तो वह एक्टिव रहती है, तो हमारी बॉडी को भी ना एक्टिव रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, वरना उसमें भी जंग लग जाता है। तो आप सीढ़ियाँ यूज़ करें, आप साइकिलिंग करें, साइकिलिंग बहुत अच्छी, अगर आपको स्विमिंग आती है तो स्विमिंग करें, रॉप स्कीपिंग करें, आप रस्सी कूदें सुबह सुबह मॉर्निंग में। आपको ऐसा नहीं करने की ज़रूरत है कि आपने बहुत ज़्यादा फास्टिंग कर ली है, बस बिल्कुल एकदम खाना आपका कम ना करें, धीरे धीरे जो हेल्दी फूड्स हैं उसको लिया करें आप, बिल्कुल ही अपनी बॉडी को एकदम कमज़ोर ना करें कि बहुत बहुत दिन तक आपने फास्ट कर लिया है, क्योंकि इतने दिन तक फास्ट करते हैं फिर आप शाम को खा लेते हैं तो वो कुछ मतलब नहीं है आपका इतना भूखा रहने से। सिंपल हेल्दी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स लीजिए, जूस लीजिए, सब हेल्दी चीज़ें ही हैं। और अगर आप लेट नाइट, मोस्टली लेट नाइट खाना ना खाएं, लेट नाइट आपने बहुत ज़्यादा, बिल्कुल लेट नाइट खाना ना खाएं। अगर ज़रा सी भी देर हो गई, 8-9 बजे का टाइम स्केड्यूल बना लीजिए, ज़रा सी भी देर हो गई है ना तो आप उस वक्त थोड़ा सा फ्रूट्स वगैरह लेके सो जाए करिए, क्योंकि ज़्यादा लेट नाइट खाते हैं तो सही से मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता है, तो एक्स्ट्रा बेनिफिट आपका इंक्रीज़ होने लगता है। आई होप आप मो पार्ट मोटापा ओबेसिटी के बारे में समझ गए होंगे, इस बारे में तो आप लोग सर लोग जानते ही हैं, आपको अच्छे समझ गए होंगे कि कौन कौन सी BFR पेज फ्लावर मेडिसिन आपका मोटापा कम करने में आपकी मदद करती हैं। क्योंकि ये BFR ऐसी हैं दोस्तों, क्योंकि आपके अंदर जो कहीं ना कहीं आप उदास हो गए हो कि आपको मोटापा हो गया, आप तो कोई दवा रिलीफ ही नहीं करेगी, तो वो सब प्रॉब्लम भी ठीक करने में आपकी मदद करती है और ऑल्सो आपकी इम्प्योरिटीज़ रिमूव करने में मदद करती है। आई होप आप इनको अप्लाई करेंगे और जल्दी से फिट एंड फाइन हो जाएंगे। अपना ध्यान रखिए, थैंक यू सो मच, टेक केयर।